दिल्ली के मुंडका में आग से शदीद तबाही, 3 मंजिला इमारत में लगी आग, आग में झुलसकर अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी बिल्डिंग में 10 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की बात कही जा रही है और फायर ब्रिगेड की इस वक्त 3 गाड़ियां मौजूद हैं। हालांकि कुछ देर पहले तकरीबन 10 गाड़ियां मौजूद थी, आग को बुझाने की कोशिश की जा रही थी और आग बुझाने में मसरूफ है इस वक्त कई गाड़ियां और सीसीटीवी फैक्ट्री और गोदाम में आग लगी है। गोदाम का मालिक पुलिस हिरासत में है। सदर जमहूरिया ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। सीएम केजरीवाल ने भी अफसोस का इजहार किया है क्योंकि बेहद अहम खबर इस वक्त की यह है और बहुत ही अफसोसनाक खबर, और केजरीवाल ने कहा कि वो इस वक्त रابطे में अफसरान के। मजीद तफसील हासिल करेंगे, हमारे नुमाइंदे शुएब रजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुएब रजा, बेहद अफसोसनाक, हम बात कर रहे थे तब तक 3 लोग इस सानिहा में मारे गए थे लेकिन अब 26 तादाद पहुंच गई है। बिल्कुल शबनम, देखिए बेहद दुखद आज का दिन इन तमाम परिवारों के लिए, जो लोग उस कॉम्प्लेक्स में थे और जिस तरह से मैं उस वक्त बता रहा था कि 3 से 4 लोगों की मौत की अभी तो खबर है लेकिन ये मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है, लेकिन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा इसका किसी को अंदाजा नहीं था। लेकिन 26 मौतों की पुष्टि खुद पुलिस प्रशासन ने की है कि 26 लोगों के जो शव है, जो बॉडीज है, वहां से मिली है। हो सकता है और भी लोग हो और कुछ लोग जो अस्पताल में भी है ऐसे हैं जो मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहे हैं। तो दिल्ली के लिए आज का दिन और इसके बारे में बताया जा रहा है कि जो फर्स्ट फ्लोर है, जो कि 3 फ्लोर की बिल्डिंग थी और फर्स्ट फ्लोर पर सीसीटीवी के जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका काम हुआ करता था और काफी लोग उस वक्त वहां थे, कुछ मीटिंग भी वहां पर चल रही थी, ये बताया जा रहा है। करीब 100 लोग वहां पर मौजूद थे उस वक्त और बाहर निकलने का मौका लोगों को एकदम से नहीं मिल पाया जैसे ही आग लगी। आग कैसे लगी इसका कारण भी ढूंढा जाएगा लेकिन ये जो मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है इस पर यकीनन हर कोई दुखी हो रहा है, अफसोस का इजहार कर रहा है। सदर जमहूरिया यानी राष्ट्रपति कोविंद की बात की जाए तो रामनाथ कोविंद ने भी कुछ देर पहले ट्वीट किया और उन्होंने भी अपना जो दुख का इजहार किया है। खुद जो दिल्ली के सीएम है, दिल्ली के वजीर आला, उनकी तरफ से भी गम का इजहार किया गया है कि इस आग से जो मरने वाले लोग हैं, उनके जो परिवार वाले हैं, उनको ऊपर वाला भगवान हिम्मत दे क्योंकि और जो वहां पर जो काम है वो यकीनन फायर ब्रिगेड की तरफ से लगातार अभी तक भी, अब चूंकि 11 बज चुके हैं और आपसे हम बात कर रहे हैं, अभी भी वहां पर लगातार काम जारी है। रात का वक्त है, वहां पर आग इतनी भीषण थी कि कई लोग जो अंदर थे यकीनन उनके शवों को ढूंढना अब कई बार बहुत मुश्किल होगा। तो ये क्या आग पर काबू पा लिया गया है? मुकम्मल तौर पर आग अभी भी पूरी ठंडी नहीं हो पाई है और 26 से 30 जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो लगी हुई थी लगातार शबनम। 4:40 पर ये बताया है पुलिस ने कि पहली जो कॉल है वो आई थी तो 4:40 से और अब 11 बज चुके हैं। तकरीबन 5 घंटे से भी ज्यादा का जो वक्त है हो चला है, ज्यादा ही वक्त हो चला है, उससे भी 6 घंटे के करीब है। उसके बावजूद भी अब तक पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर कैजुअलिटी कितनी अब तक रिपोर्टेड हो चुकी है ये हॉस्पिटल बताएगा क्योंकि मुझे नहीं पता क्या कंडीशन है, हमें जो जो मिला हमने उनको हॉस्पिटल भेज दिया। रेस्क्यू अभी तक कितने हो पाए? रेस्क्यू भी चल रहा है, टाइम लगेगा, काफी बड़ा एरिया। अभी कितना टाइम लग सकता है पूरे ऑपरेशन ये अभी नहीं बता सकता। तो ये ऑफिशियल का रद्द में सुन रहे थे हम, अभी कुछ कहना कबलस वक्त होगा। वहीं शदीद तबाही इस आग ने मचा दी है, अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार हम अपने नुमाइंदे से बात कर रहे थे, उन्होंने तमाम तर तफसील बताई है। हालांकि आग किस वजह से ली ये भी अभी साफ नहीं हो पाया। शुएब, तफसील के लिए बेहद शुक्रिया। तो हमारे नुमाइंदे शुएब बने हुए हैं, उनका रुख एक बार फिर से करेंगे। आपको बता दें कि तो ये बड़ी खबर आप देख सकते हैं, 3 तस्वीर आप देखें कितनी भयानक आग दिल्ली के मुंडका इलाके में लगी है। एक कॉमर्शियल बिल्डिंग, हमारे नुमाइंदे ने भी बताया था कि ये कॉमर्शियल बिल्डिंग है जहां पर भयानक आग लगी हुई है और कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस वक्त मौजूद हैं, राहत रसानी का काम जारी है। हालांकि कुछ हद तक आग पर काबू पा लिया गया है लेकिन पूरी तरीके से आग बुझ नहीं पाई है और जो अफसरान है वो अभी कुछ कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि अभी सारी जांच की जाएगी। मजीद तफसील
तस्वीर हासिल करने की भी कोशिश करेंगे। लगातार हमारे नुमाइंदे इस खबर के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तस्वीरें देखिए, कितनी भयानक शदीद आग इस बिल्डिंग में लगी है और दिल्ली के मुंडका इलाके में ये बिल्डिंग है। और साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि पुलिस की जानिब से जो बिल्डिंग का मालिक है उसको भी पकड़ा गया है और कई लोगों के अभी भी फंसे होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। हालांकि जब ये खबर सामने आई थी कि दिल्ली के मुंडका में एक बिल्डिंग में आग लगी है, तब तक ये शुरुआती जो तफसीलात थी वो आ रही थी कि तीन लोगों की मौत हुई है, लेकिन जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और जो लोगों की तादाद है मरने वालों की वो 26 हो गई। हालांकि हमारे नुमाइंदे ने बताया था कि जो इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है उसमें ये भी मुश्किल हो रहा है कि कितने लोगों की मौत हुई है, उनकी शिनाख्त करना भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि बुरी तरीके से जो लोग हैं वो इस आग में झुलस गए हैं। आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी शदीद आग ये होगी। पूरे बिल्डिंग में ये आग फैल चुकी है, 3 मंजिला इमारत है। और साथ ही साथ सदर जमहूरिया ने इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया है।